नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों आज हम फिर आ जुड़े एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों जानकारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश PSC प्री के लिए जो कि है मध्य प्रदेश में भर्ती, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, बाकी अदर पोस्टों के लिए प्री का जो पेपर होना है वो होना है 12 जनवरी 2020 को, और जिसकी तैयारी के लिए दोस्तों हम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल और स्थान जो कि हैं आज से ज्ञातक की सीरीज का ये चौथा पार्ट है, जहां पर हम कवर करेंगे आपके लिए मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति का चौथा पार्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए, ये इसका चौथा पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चौथे पार्ट में छिंदवाड़ा की। तो छिंदवाड़ा ये स्वयं एक जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर फेल्सफार खनिज पाया जाता है और साथ ही यहाँ पर आदिवासी संग्रहालय स्थित है। यहाँ पर कागज एवं स्याही बनाने का कारखाना भी है। यहाँ पर कोयला उत्पादन, मैग्नीज एवं बॉक्साइट के भी उत्पादन किया जाता है। ये है छिंदवाड़ा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है। बात करते हैं यहाँ पर चंदेरी की। तो चंदेरी जिला अशोकनगर में आता है ये। यहाँ पर 109 बावड़ियाँ हैं। जरी की जो साड़ी है वो साड़ी के लिए यहाँ पर चंदेरी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सतखंडा महल, हवा महल और जौहर कुंड भी स्थित है। यह मैदनी राय का महल बना हुआ है। यहाँ पर जो मैदनी राय का है वो महल भी बना हुआ है, हवा महल भी यहीं पे है, जौहर कुंड भी यहाँ पर है, सतखंडा महल भी यहाँ पर है और जरी की साड़ी के लिए ये प्रसिद्ध है चंदेरी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चित्रकूट की। तो चित्रकूट सभी कैंडिडेट जानते हैं, जिला सतना में है। यहाँ पर तुलसीदास का आश्रम है, गुप्त गोदावरी है, हनुमान धारा है, सती अनुसुईया का आश्रम है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार यहीं पर लिया था। यहीं पर स्थित मंदाकिनी नदी के किनारे तुलसी महोत्सव का आयोजन दिवाली के समय होता है। साथ ही रामायण काल के मुख्य स्थल यहीं पर हैं। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पनखा की नाक काटी थी। तो ये भी दोस्तों आप ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ पर चित्रकूट के बाद चचाई की। चचाई के कैंडिडेट सभी जानते हैं, चचाई जलप्रपात है एक। यह रीवा जिले में स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या ऊंचाई का चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों छतरपुर की। तो छतरपुर यह एक स्वयं जिला है। यहाँ पर रॉक फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट खाद मिलता है। यह विश्व विरासत में शामिल खजुराहो इसी जिले में महोबा के आला उदल छतरपुर जिले से संबंधित रखते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दतिया की। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है दतिया। यह स्वयं एक जिला है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गामा पहलवान की जन्म हुआ था। यहाँ पर पीतंबरा शक्ति पीठ में 109 मंदिर हैं। बात करते हैं यहाँ पर धर्मत की। तो धर्मत देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, यह जिला उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर 1685 में औरंगजेब एवं दारा सिकोह के मध्य उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की हुई थी विजय। बात करते हैं यहाँ पर देवास की। तो देवास देख लीजिए, यह है स्वयं एक जिला है। यहाँ पर बैंक नोट प्रेस लगाया गया है। यहाँ पर शारदा देवी का मंदिर मैहर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बाटा लेदर का कारखाना स्थित है। चामुंडा देवी का मंदिर है। 10 से अधिक के नोट यहीं पर छापे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आप इसको याद रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दमोह की। तो दमोह देख लीजिए स्वयं जिला है। यहाँ पर जिप्सम नामक खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पर पुरातात्विक पार्क बनाया गया है। बात करते हैं यहाँ पर डिंडोरी की। जो डिंडोरी यह एक स्वयं जिला है। यहाँ पर बैगा जनजाति का निवास स्थान है। यहाँ पर झूम खेती पर्याप्त मात्रा में होती है और जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा जिला है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है जो कि है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा छिंदवाड़ा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।